उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के बीच में समझौता हुआ है। उत्तराखंड में विद्यार्थियों के लिए पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी और स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिराज आर्टिनियन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्विस एजुकेशन ग्रुप राज्य में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में भी सहयोग देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण के लिए यह समझौता आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण से दक्षता हासिल कर हमारे विद्यार्थी को रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के साथ ही इको टूरिज्म वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के साथ हुए इस समझौते में अहम भूमिका निभाने पर अभय दास महाराज का आभार व्यक्त किया। वहीं लगभग 4 महीने पूर्व इन क्षेत्रों में राज्य को सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री एवं अभय दास महाराज के बीच चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि 12 महीने श्रद्धालु एवं पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड के धार्मिक और पर्यटक स्थलों में आएं। इसके लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रथम चरण में 16 मंदिर चिन्हित कर कार्य शुरू किए जा चुके हैं। वहीं अभय दास महाराज ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आध्यात्म का केंद्र है। विदेशों में उत्तराखंड आध्यात्म के केंद्र खोलने की दिशा में कार्य करेगा, तो इसमें रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, स्विस एजुकेशन ग्रुप से सूर्य प्रताप सिंह भाटी, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती मौजूद रहे। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री